हेलो एवरीवन। तो इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था। इस लेक्चर में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे उस चीज़ को, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर से ही रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल मिरर से ही दो मिरर्स हमारे बनते थे, एक था हमारा कॉन्केव मिरर, दूसरा हमारा था कॉन्वेक्स मिरर, उसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो ए बी वाला पोर्शन है, ये ए से लेके बी जो आप लोग को शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है, ये तुम्हारा मिरर का पोर्शन है। और आपको पता भी है कि अगर ये बाहर से पेंटेड है और अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो ये कॉन्केव बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी मेरे को पता है कि ये एक्चुअल में कहाँ से बना था, ये एक स्फीयर था, हॉलो स्फीयर था, जिसको मैंने क्या किया था, कट किया था। तो अगर मैं इसको एज्यूम करूँ कि कट किया था वाले पोर्शन को भी ड्रॉ करूंगा तो एक स्फीयर ड्रॉ हो जाएगा, आई विल ड्रॉ इट बाई ए डॉटेड लाइन। ये बताना चाह रहा हूं कि ये किस स्फीयर का पार्ट था, बट ये एक्चुअल में मिरर वाला पोर्शन यहां तक है, क्लियर है, ए से लेके बी तक का, ठीक है। और हमको पता है कि अगर ये स्फीयर है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका क्या होगा, सेंटर भी होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है सी, और ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये स्फीयर है तो सेंटर है तो ऑब्वियस ही बात है रेडियस भी होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इसका रेडियस क्या होगा तुम्हारा, या तो ए सी ले लो या तो बी सी ले लो, या तो तुम्हारा पी से लेके सी तक ले लो, ये सब क्या है तुम्हारा रेडियस है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या, ए से लेके बी तक के सेक्शन को हम लोग बोलते हैं मिरर सेक्शन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो जो टर्मिनोलॉजी है वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पी से, पी इज कॉल्ड द पोल। पोल क्या होता है, ये तुम्हारा मिरर वाला पोर्शन है ए से लेके बी तक का, उसका सेंटर। तो लिखा भी है मिडिल पॉइंट पी ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो मिडिल पॉइंट पी है हमारा स्फेरिकल मिरर का सेक्शन का, मतलब ये तुम्हारा मिरर है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल, यानी कि जो बल्जिंग पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे पोल, ठीक है। पोल के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सेंटर था उस स्फीयर का जिसका वो पर्टिकुलर मिरर या कॉन्केव मिरर क्या था, पार्ट था, ठीक है। तो सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है तुम्हारा, कि जिस भी स्फीयर का वो पार्ट था, कौन तुम्हारा मिरर, उसका अगर रेडियस लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। देखिए यहां पे लिखा भी है या तो ए सी ले लो या तो बी सी ले लो, ए से लेके सी, बी से लेके सी, एक और चीज ले सकते हो पी से लेके सी इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी आपका पोल बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा ना, उसके थ्रू जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये कौन सी एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कहां से पास हो रही है तुम्हारी, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर को होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है हमारा लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर क्या होता है समझना, कि ये जो तुम्हारा मिरर है, मिरर का एक एज जो है वो ए है, दूसरा एज जो है वो क्या है तुम्हारा, बी है। एक एज ए है, दूसरा एज बी है। इस ए से लेके बी तक का जो स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट में अगर क्या करूं, दोनों एज को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं, तो जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर अपर्चर। यानी कि वहां पे देखो वर्ड अगर क्या लिखा है, इट इज द डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो सर्कुलर बाउंड्री है वो कौन सी, ए बी, इसका जो अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर का लीनियर अपर्चर, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा भी है ए बी इज द लीनियर अपर्चर। नेक्स्ट आता है आप लोग का एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर क्या होता है समझना, कि मैं क्या किया कि इस मिरर के एक एज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया, दूसरे एज को भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया, तो होगा क्या, ये दोनों एज को जो जुड़ने वाली लाइन है ये क्या करेगी, सी पॉइंट पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक एंगल सब्सटेंड करेगी, विच इज नथिंग बट द एंगल ए सी बी। दिस एंगल ए सी बी इज ओनली कॉल्ड द एंगुलर अपर्चर, ठीक है। इसके बाद अगला आता है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस को मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को अलग से एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डायग्राम होपफुली आपको क्लियर होगा, तब मैं जाके क्या कर सकता हूँ, आपको नेक्स्ट डायग्राम में इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, प्रिंसिपल फोकस के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए, मैं मान लेता हूँ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड अगर प्रिंसिपल फोकस को भी समझना है तो मैं कॉन्केव मिरर के लिए अलग से बताऊंगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग से बताऊंगा। दिस इज दी, अगर मैं क्या करूंगा, बाहर का पोर्शन तुम्हारा पेंटेड है तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर होगा, मैं मान लेता हूं दिस इज दी सेंटर ऑफ कर्वेचर।
दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द कॉन्केव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल। किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले सबसे पहले इतना तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि फोकस कहां पे होता है वो देखना। जब भी क्या होगा, तुम्हारी जो रे है, लाइट को रे भी बोलते हैं, यहां पे मोस्टली रे ऑप्टिक्स पे डील कर रहे हो तो हमेशा रे वर्ड यूज होगा। जब भी रे ऑफ लाइट को आप क्या करोगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओगे, इस तरीके से पैरेलल लाओगे, तो हमेशा वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सिंगल पॉइंट से जाएगी, ठीक है। अगेन आपने क्या किया, इसको फिर से पैरेलल भेजा, वो अगेन सेम पॉइंट से होके जाएगी। अगेन आपने क्या किया, इस रे को पैरेलल भेजा, अगेन वो कहां से होके जाएगी, तुम्हारी सेम पॉइंट से होके जाएगी। अगेन मैंने पैरेलल भेजा, वो कहां से होके जाएगी, सेम पॉइंट से होके जाएगी। तो जो सेम पॉइंट बन रहा है जहां पे पूरी लाइन पैरेलल होने के बाद इंटरसेक्ट होके जा रही है, दिस इज कॉल्ड दी प्रिंसिपल फोकस। दिस इज द केस ऑफ दी, ये आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि ये तुम्हारा टूवर्ड्स दी मिरर और आफ्टर रिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम दी मिरर। लेकिन सब लाइन क्रॉस होके कहां से जा रही है, ये फोकस है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये एफ पॉइंट से होके जा रही है। तो सब लाइन हमारे कहां से होके जा रही है, फोकस से। तो जो भी पॉइंट है, जब भी पैरेलल रेस आके रिफ्लेक्ट होने के बाद होके जाती है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। एक चीज और याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज द केस ऑफ द कॉन्केव मिरर, दिस इज द केस ऑफ द कॉन्केव मिरर। इन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर द फोकस इज कॉल्ड द रियल फोकस। ये दो तीन टर्म्स आपको याद रखनी है कि कॉन्केव मिरर के केस में जो हमारा फोकस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फोकस। और एक और चीज, जो रेज आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपीयर होती है टू डाइवर्ज, नॉट डाइवर्ज सॉरी, अपीयर टू कन्वर्ज टू द फोकस, ठीक है। तो यहां पे क्या होती है, रे अपीयर्स टू कन्वर्ज। कन्वर्ज क्यों होता है, क्योंकि वो टूवर्ड्स द फोकस जाती है। ये सबसे बड़ा वर्ड कन्वर्ज क्यों आता है, क्योंकि टूवर्ड्स द फोकस इट इज गोइंग। नाउ विल टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स केस। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा कि अगेन आई विल ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस, आई विल ड्रॉ द मिरर एंड पेंट कहां पे करेंगे, टूवर्ड्स इनसाइड। इनसाइड पे जब पेंट कर दोगे तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, बाहर का, है ना। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो किस साइड बनेगा, इधर, सही बात है कि नहीं। अब क्या होगा, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये कौन सा केस था आप लोग का, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स का है। कॉन्वेक्स के केस में अगेन तुम्हारी रेस पैरेलल आई, मैंने मान लिया ये रे पैरेलल आई, ठीक है। पैरेलल आने के बाद ये क्या हुई, इंटरसेक्ट होकर इधर से चले गई, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको बैक एक्सटेंड करूंगा तो ये किसी एक पॉइंट से आती हुई दिखेगी। सिमिलरली मैंने क्या किया, यहां पे एक और पॉइंट को भेजा, है ना, और मैं इसको जोड़ देता हूं यहां से, ताकि मेरे को ये इस तरीके से आते हुए दिखेगा। तो ये रिफ्लेक्ट तो होगी इस साइड, रिफ्लेक्ट होगी इस साइड, लेकिन जब इसको बैक एक्सटेंड किया जाता है तो वो जाके एक पॉइंट पे मिलती है, विच इज कॉल्ड द एफ। एंड सिमिलरली नीचे पे भी अपन ये प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। नीचे में भी मान लो गया और ये ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ दो तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल रहा है, ये इस तरीके से निकल रहा है, तो ये इस तरीके से आपकी जाएगी, ये अंदर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ आ रही है। यहां पे प्रोसेस क्या है, खुद देखिए आप लोग कि ऐसे लग रहा है कि फोकस से सब लाइंस क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं। तो इस केस में क्या होता है, तेरा रे अपीयर्स टू डाइवर्ज। इन दिस केस रे अपीयर्स टू डाइवर्ज, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो फोकस होता है ना, इसको बोला जाता है वर्चुअल फोकस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्चुअल फोकस। तो ये आप लोगों को दो पॉइंट्स याद रखना है। इन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर द फोकस इज रियल फोकस एंड द रे अपीयर्स टू कन्वर्ज, एंड इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज एंड इट इज कॉल्ड द वर्चुअल फोकस। इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसके बारे में, यानी कि फोकल लेंथ, ठीक है। जो फोकल लेंथ होता है हमारे स्फेरिकल मिरर का, वो क्या होता है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। तो ये क्या है तुम्हारा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो दोनों केस में सेम रहेगा, यहां पे रियल फोकस और पोल के बीच में, या वर्चुअल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट टर्म है, उसको बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। ये हमारा लास्ट टर्म है जिसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, विच इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। तो उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना आप लोग, ठीक है।
मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, इसको इसी डायग्राम में बताता हूं तो और अच्छे से समझ आएगा। ये मेरे को पता चल गया था, दिस इज द फोकस, वी नो दैट दिस इज द फोकस। व्हाट विल डू व्हेन विल ड्रॉ ए प्लेन, व्हेन विल ड्रॉ ए प्लेन विच कंटेन्स दिस फोकस। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इस तरीके से प्लेन ड्रॉ करेंगे कि ये फोकस को कंटेन करेगा उसमें। विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर प्लेन हियर, है ना। तो वो प्लेन क्या कहलाएगा आप लोग का, फोकल प्लेन। ठीक है, इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूं, जस्ट ए मिनट, कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द मिरर। तो इसको आपको इस तरीके से रखना है। तो इसी में ही तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, तुम्हारा फोकस वाला पॉइंट है। तो इसी में तुम्हारा फोकस का पॉइंट होगा और ये प्लेन को जब मैं ऐसे रखूंगा, दिस इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। ठीक है, वो फोकल प्लेन इसलिए जरूरी रहता है कि जनरली इमेजेस जो रहती है ना, वो फोकल प्लेन में कहीं भी बन सकती है। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो, इसलिए फोकल प्लेन की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना, फोकल प्लेन इज नथिंग बट द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। यहां लिख सकते हैं कि इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब हम लोग फोकल प्लेन किसको बोलेंगे, जो कि फोकस के थ्रू पास करेगा और परपेंडिकुलर रहेगा किसके, तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के। सो दिस इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। ये हमारा लास्ट टर्मिनोलॉजी था जो हम लोग को समझना था। इसके बाद जितने भी डेफिनेशंस हैं स्फेरिकल रिलेटेड से, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, सब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन इसके बाद जो हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है वो तुम्हारा क्या है, साइन कन्वेंशन, जो कि मैं आपको साइड बता देता हूं। द साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द मिरर, क्योंकि ये आप लोगों को आगे के जो होने वाले डेरिवेशंस में बहुत काम आने वाला है। तो विल टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन। तो एक काम करते हैं, एक जनरल मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। से दिस इज द मिरर विच इज ए कॉनकेव मिरर बिकॉज इट इज पेंटेड आउटसाइड। ठीक है, दिस इज द मिरर, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। जनरली इसमें हम लोग एक्सिस जरूर ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। और हमेशा जो रहता है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहता है, वो किधर रहता है, ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट। ठीक है, और हमारी लाइट जो आती है वो हमेशा किधर से आती है, इधर से इधर। तो लाइट अगर कैसे आ रही है उसके ऊपर बहुत को डिपेंड करता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन आपको इंपॉर्टेंट है समझना, वो ध्यान से रखना कि जब भी आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को अबो दी एक्स एक्सिस रखोगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट को अबो दी एक्स एक्सिस रखोगे तो ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, इस तरीके से। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, से दिस इज ए एंड बी विच इज रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को क्या करोगे आप, अबो एक्सिस एक्स एक्सिस रखोगे तो दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, बट विल टेक द ऑब्जेक्ट बिलो द एक्स एक्सिस, देन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसको मान लो ए डैश बी डैश मान लो, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज टेकन एज निगेटिव। दिस इज बेसिकली द हाइट। ये है किस चीज की, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां पे लिख सकते हो, हाइट इज टेकन पॉजिटिव व्हेन इट इज अबो द एक्स एक्सिस एंड हाइट इज टेकन निगेटिव व्हेन इट इज बिलो द एक्स एक्सिस। दूसरी चीज जो हमको समझने वाली है, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन क्या है, तुम्हारा उधर है। ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, अलोंग द इंसिडेंट लाइट आप क्या करोगे, मेजर करोगे किसी भी डिस्टेंस को, आप अलोंग द इंसिडेंट लाइट मेजर करोगे तो वो हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और यही आप क्या करोगे, अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट, अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट मेजर करोगे तो दैट विल बी टेकन अस निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन में क्या क्या समझा आप लोगों ने, पहले ये देखा कि जो हाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको एक्स एक्सिस के ऊपर लोगे तो पॉजिटिव होगा, और हाइट है जो एक्स एक्सिस के नीचे लोगे वो निगेटिव होगा। दूसरी चीज, अगर हम लोग क्या है, डिस्टेंस को या मेजर करेंगे हम लोग किसके, अलोंग द इंसिडेंट लाइट तो दैट इज टेकन अस पॉजिटिव, और अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट डायरेक्शन अगर अपन मेजर करेंगे डिस्टेंस तो दैट विल बी टेकन अस नेगेटिव। यहां से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं कि कैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केस में जो तुम्हारा फोकस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगा। ठीक है, इन केस ऑफ द कॉनकेव मिरर में आप लोगों को बता रहा था, अगर मैं कॉनकेव मिरर के केस में बात करूं तो जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं,
सी ये तो तुम लोगों का एग्जांपल है, वो कौन सा है? कॉनकेव मिरर का ही। खुद देखो कि कॉनकेव मिरर के केस में मेरा पोल ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां लाई करता है, फोकस यहां पे है, तो मैं ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर है, बट मैं मेजर कर रहा हूं डिस्टेंस कैसे कर रहा हूं, इस साइड। सही बात है कि नहीं? पोल से अगर फोकस मेजर करूंगा तो किधर करूंगा? इधर। तो दिस विल बी अ स्मॉल एफ। पोल से मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजर करूंगा तो किधर करूंगा? इधर। दिस विल बी अ आर। तो मैं क्या कर रहा हूं कि लाइट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, इसलिए हमेशा याद रखना फॉर कॉनकेव मिरर जो तुम्हारा फोकस रहता है वो क्या रहता है तुम्हारा, हमेशा नेगेटिव रहता है, या फोकल लेंथ दोनों फोकस ही होना चाहिए। दिस विल बी अ स्मॉल एफ व्हिच इज ऑलवेज नेगेटिव एंड रेडियस इज नथिंग बट, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट दिस इज आल्सो नेगेटिव। इन केस ऑफ द कॉनकेव तुम्हारा क्या रहेगा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव रहेगा। लेकिन यही मैं बात करूं किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है? तो कॉन्वेक्स की खुद से सोचिए, मान लो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है जिसका अंदर साइड टेंटेड है, ठीक है? ये अंदर साइड टेंटेड है, आपकी रे इधर आ रही है, रे का डायरेक्शन इधर है, बट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन किधर करता है, इधर। आपका फोकस लाइन इधर किधर करता है, इधर। पोल किधर है, इधर। जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं किस डायरेक्शन कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में, और रे का डायरेक्शन किधर है, वो भी उधर ही है। इसका क्या मतलब है कि आई कैन से दैट कि जो तुम्हारा फोकल लेंथ है वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, और तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। तो ये आपको साइन कन्वेंशन याद रखना बहुत जरूरी है कि कॉनकेव के लिए हमेशा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव रहता है, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्लियर है?